हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। एक बहुत ही आसान जो है तरीका होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना महत्वपूर्ण होता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के और तरीके भी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। एक ऐसा जो है एक एक इंडिकेटर होता है जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और वो क्यों होता है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और आपके लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए, आप अगर आप ट्रेल करके अपने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ले आते हैं अपने जहाँ आपने एंट्री ली है, और आप ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री के ऊपर ले जाते हैं, तो उससे बड़ा सुकून किसी ट्रेडर के लिए नहीं होता है कि वो जो है अपने एंट्री पॉइंट से ऊपर चला गया और उसके बाद जो भी मूव आ रही है उसको ट्रेल कर रहा है। अगर मार्केट एक तरफा रहती है तो आप सोच सकते हैं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कितने टाइम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे ले चलता हूं, और मैं आपको डायरेक्टली कोई भी चार्ट हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, मैं 5 मिनट का आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल दी थी, इस फ्राइडे कॉल दी थी, और ये कहीं मैंने आपको 1185 के आसपास मैंने कॉल दी थी। और देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो राइज कर करके 1225 तक गया है इंट्रा डे में। आप टेलीग्राम चैनल पे वो कॉल चेक कर सकते हैं, फ्राइडे को मैंने आपको वो कॉल दी थी। और ये वाला देखिए, इसको आप अगर ट्रेल करते तो इफेक्टिवली आप कैसे ट्रेल कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैं इसको देखिए 10 मिनट पे ले लेता हूँ, 10 मिनट पे वॉलीटिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे स्टडीज़ में जाना है। देखिए, ये ज़ेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, और इसमें देखिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए एक अच्छा सा इंडिकेटर दिया जाता है, वो होता है ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स। अगर आप इसको प्लॉट कर दें तो इसमें इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि मल्टीप्लायर जो है वो 3 है, पीरियड 21 लेता है, पिछली 21 कैंडल पे चल रहा है। प्लॉट टाइप इसका पॉइंट्स है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, और बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स ये रेड और ग्रीन में दिए गए हैं। हाई लो आप प्लॉट करना चाहें या नहीं करना चाहें ये आपकी ऊपर है, डन कर देंगे आपको। तो आप देखो, अब मैं आपको कितने आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1885 पे एंट्री ली, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। 1885 में मैंने जो आपको कॉल दी, आपने एंट्री ली। अब ट्रेलिंग स्टॉप के अकॉर्डिंग जो ये ग्रीन वाली डॉट्स हैं, ये वाली आपकी ATR बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप है। ये क्या है दोस्तों? ATR आपको पता होगा, एवरेज ट्रू रेंज होती है। एवरेज ट्रू रेंज क्या होती है ये अलग समझेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि एवरेज ट्रू रेंज का मतलब है कि ये वाला स्टॉक 10 मिनट के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी दे सकता है उस वॉलेटिलिटी को ये केटर कर रहा है। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लेके चल रहे हैं और ये स्टॉक जो है आज ट्रेंड पकड़ेगा, तो ये वाला स्टॉक, ये जो डॉट्स होंगे ये आपको ये बता रहे हैं कि ये वॉलेटाइल जो है इसके नीचे नहीं जा सकता। ये अगर ट्रेंडिंग है और रिट्रेसमेंट खा के ट्रेंड कर रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट इनके नीचे नहीं खा पाएगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा होता है, और ये ATR का फंडा होता है कि ये 10 मिनट के अंदर इसकी वॉलेटिलिटी इन डॉट्स के नीचे नहीं जाएगी। ATR जो है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं, मैं इस पर भी और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आगे आपके लिए बना दूंगा। तो ये ATR इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एवरेज ट्रू रेंज का, इसको इसको इसी पे पूरी मार्केट टिकी हुई है। आपने टारगेट प्राइस निकालना है, आपने अपनी एंट्री निकालनी है, कितना एक स्टॉक जो है पूरे दिन में मूव कर सकता है, वो भी ATR आपको बताता है। वो डेली का ATR आपको चेक करना होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा, जैसे 1885 में मैंने आपको कॉल दी थी, आपका स्टॉप लॉस होता 1170 के पास, और उसके बाद आपको अच्छे बच्चे की तरह वेट करना है कि ये स्टॉक ट्रेंड पकड़ेगा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सिग्नल्स हैं कि ये स्टॉक जो है नीचे नहीं जाएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इस कैंडल के पैटर्न का, ये वाले कैंडल के पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, ये जो कैंडल का पैटर्न बना है, और इसके बेसिस पे मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपकी क्या रीडिंग है इस प्राइस एक्शन को लेके, कि आप क्या सोचते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें क्या क्या हिंट, क्या क्या क्लूज और क्या क्या बातें छुपी हुई हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, ये यहाँ पे रेंज में रुका रहा, ऊपर गया, आप अपना स्टॉप लॉस जैसे जैसे डॉट्स ऊपर जा रही हैं उस डॉट्स के नीचे रखना है। एटीआर बेस्ड जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये वाले जो ये जो लाइन मूव कर रही है ये पीएसआर की तरह ही है दोस्तों, लेकिन ये एटीआर बेस्ड है। सुपर ट्रेंड भी एटीआर बेस्ड होता है, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। लेकिन देखिए ये जैसे जैसे डॉट्स ऊपर जा रही हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ था आपका देखिए 11670 के पास, अब ये जब ये यहाँ गया है, अब देखिए यहाँ 9:35 के बाद ये 11:15 बजे यहाँ पे गया है, 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे बाद इसमें मूव आई है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 11780 पे लाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया लेकिन ये इन डॉट्स के नीचे नहीं जा पाया, मतलब कि ये एक स्ट्रांग ट्रेंड में है और ये एटीआर के प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर रहा है, 10 मिनट के एटीआर के प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर रहा है। और देखिए वापस इसने क्या किया, वापस ये यहाँ से एटीआर को, एटीआर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अब ये ऐसा स्टॉप लॉस है, ये वाली टेक्निक मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है और आप ट्रेल भी कर रहे हो और आपका ये देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। यहाँ से मूव आई, जैसे जैसे मूव आ रही है, जैसे जैसे डॉट्स ऊपर जा रही है, आपको ये डॉट्स ऊपर ये आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना है। यहाँ पे ये वाली मूव आई एक कैंडल की 1192 पे ले आइए, 1198 पे, अब देखिए 1185 पे एंट्री ली थी और आप देखिए यहाँ पे 1197 पे 10 रुपीज के प्रॉफिट में है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे रुका रहा और उसके बाद में मूव आई और ये देखिए 1208 1211। देखिए जब मार्केट बंद होने वाली होती है तो आप हाई जो बन रहा है 20 मिनट पहले, आप जो है अपना अपना जो है जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं उनको सेल कर दीजिए, क्योंकि देखिए बाद में वॉलेटिलिटी इतनी हाई हो जाती है कि यहाँ से डाउन मूव या अप मूव दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में इतनी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी 50-50 की रहती है, तो यहाँ पे आप कहीं निकल जाते 1225 पे। तो दोस्तों ये एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखिए अब आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना आपको एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस की स्टेबिलिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्टेबिलिटी मिली, अब 5 मिनट में मैं दिखा देता हूँ, 5 मिनट में अगर आप देखेंगे ना, 5 मिनट में ये कितनी बार तो चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ, जब थोड़ी सी नीचे मूव आएगी तो ये डॉट्स ऊपर आ जाएंगी, तो एंट्री लेने के लिए 5 मिनट ठीक है, लेकिन जब आपने ट्रेल करना है तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स की ट्रेल रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा जो आपकी वॉलेटिलिटी कम होगी उसके अंदर, वॉलेटिलिटी केटर हो जाएगी, इस चीज को समझो, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी, वॉलेटाइल उतनी आपकी जो ये स्टॉप लॉस है ये वाला कम वॉलेटाइल होगा, ये जो है स्टॉक की रिट्रेसमेंट को केटर कर लेगा, स्टॉक के रिट्रेसमेंट को हैंडल कर लेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देगा और आप पूरी मूव जो है ले सकते हैं। ये वाली कॉल मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल पे दी थी, टेलीग्राम का चैनल आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉमेंट्स आ रहे हैं कि टेलीग्राम का चैनल जो है आप ज़्यादा कॉल्स नहीं देते हैं, देखिए मैं क्वालिटी कॉल्स देता हूँ, ये फ्री चैनल है, ये पेड चैनल नहीं है, अगर आपको कहीं और सर्विस मिल रही है पेड सर्विसेज तो आप वो ले सकते हैं, ये फ्री चैनल है, ये मैं आपकी लर्निंग के लिए चला रहा हूँ, ये मैं आपके एनालिसिस के लिए कि आप खुद एनालाइज कीजिए ये कॉल आई थी तो क्यों आई थी, और उसमें अगर आपके पास दो दिन में अगर एक कॉल भी मैं दे पा रहा हूँ आपको, एक क्वालिटी कॉल दे रहा हूँ जिसमें कि आपको अच्छी मूव मिल रही है और वो फ्री में आपको कॉल मिल रही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आपको अगर आप पेड सर्विसेज पेड टिप्स के पीछे जाना चाहते हैं आप चले जाइए, आप एनालिसिस नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं मार्केट को, तो ये आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पे आपको मार्केट सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बताया है और देखिए मेरे पास काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल मेरे साथ बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे और मेरे पास अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं वो कि अच्छे अच्छे आप कॉल्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको देखिए मैं फ्री में कॉल्स दे रहा हूँ तो इस चीज़ में कोई वो नहीं होना चाहिए कि आप कम कॉल्स दे रहे हैं ज़्यादा कॉल्स दे रहे हैं, आप चाहें तो कॉल लें चाहें तो ना लें, आपकी चॉइस है, या आपके ऊपर कोई थोपी नहीं जा रही है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं कॉल्स देने के दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस सारी अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलती रहें, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो जो है बनाता रहूं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये जो फ्री चैनल के बारे में पता लगे और वो भी फ्री में जो है स्टॉक मार्केट सीख सकें, फ़ायदा उठा सकें, इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकें और ख़ुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।